भाई आज मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ ना, सच में पता नहीं ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है कभी गिर वीर ना जाए यार मेरा कैमरा पूरा। यहाँ की रोड चेकआउट करो यार, यहाँ फोटोज वगैरह इतनी अच्छी आएंगी ना। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और आज मैं कहाँ पे आया हूँ, एकदम ये प्यारी सी लोकेशन पे आया हूँ, क्योंकि आज हमारे चैनल पे हो जाएंगी 100 वीडियो कंप्लीट। मतलब ये हमारे चैनल की 100th वीडियो है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे थोड़ा सा स्पेशल किया जाए। और स्पेशल मैंने आपसे इससे पहले वाले व्लॉग में बोला था कि मैं 2-3 चेंजेस वगैरह करूँगा जो कि आपको आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। और मैं तो इस प्यारी सी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, बट मैं आपको बोर करते रहूँगा, तो आप अपने प्यारे हाइकर बडी से मिलिए कैमरे पे सुबह सुबह 7 बजे। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:02 और आज है संडे, तो मैं निकल चुका अपनी संडे वाली राइड पे। और आज भी मैं अकेले जा रहा हूँ। वैसे मैंने अपने एक दोस्त से पूछा तो था कि आएगा या नहीं आएगा, तो कल तो उसने बोला कि हाँ कहाँ जाना है, टाइम बता, ये वो सारे डिटेल ले लिए। देन लास्ट में बोलता है कि चल तू ही जा लेना करके, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, आप किसी को ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने बोला हम चल लेते हैं। और आज मुझे लगा था कि मेरी ये संडे राइड कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब मैं सुबह 5:30 बजे उठा था, मतलब मेरी नींद खुल गई थी, तो भाई 5:30 बजे हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो मुझे लगा गया आज की राइड तो गई। फिर मैंने बोला थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वरना मेरा प्लान था थोड़ा जल्दी जाने का, मतलब 6:30 बजे जाने का, बट थोड़ा डिले कर करके मुझे लगा कि पहले ही मतलब 7:30 बजे तक अगर बारिश पड़ जाएगी तो मैं अपने प्लान को डिले कर दूंगा। बटिया अभी तो सूरज दादा निकल चुके हैं, बट अभी ठंड काफ़ी लग रही है, क्योंकि शाम को भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और अभी सुबह सुबह तो हवा ही चल रही, मतलब उतनी तेज़ नहीं लग रही, मतलब मैं हाफ पहन के आया हूँ। वैसे हवा तो हमेशा वैसे लगती ही है, बट सुबह सुबह की अभी ना थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो मैंने बोला फुल पहन के भी क्या ही जाना, तो मैं हाफ पहन के आ गया। अभी सुबह सुबह राइड करने का एक यही फ़ायदा होता है कि रोड थोड़ा खाली मिल जाती है, वरना इस रोड पे तो इतना ट्रैफिक रहता है, मतलब रोड पूरी भरी रहती है। और आज की जो संडे राइड है उसमें मैं एकदम ही दूसरा वाला रूट चूज़ करूँगा, क्योंकि जब भी मैं संडे राइड पे जाता हूँ तो मैं हमेशा मसूरी वाले रूट पे जाता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि हमेशा एक ही रूट आपको क्यों दिखाया जाए। और मैं भी बोर हो चुका था उस रूट पे जाके, तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक दूसरा ही रूट लिया जाए। यहाँ की रोड देखो थोड़ा गीली गीली हो रखी है, क्योंकि कल शाम को भी बारिश पड़ी थी आई थिंक थोड़ा थोड़ा, और आई थिंक सुबह ही पड़ गई होगी। अभी यहाँ से जाऊँगा मैं ऊपर, ये देखो सूरज दादा देखो एकदम ही फ्रंट पे आ गए भाई। पर आज वो ये ना एकदम तीखी वाली धूप नहीं रहेगी, ओए तो आज वही है ना, मतलब तीखी वाली धूप नहीं रहेगी, क्योंकि बादल भी लगे हैं काफ़ी। जय बजरंगबली की। तो अभी मैं आ चुका अपने पहले डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से लेना है मुझे राइट, मतलब थोड़ा आगे से। ये देखो क्लॉक टावर क्या अच्छा लग रहा है एकदम इस टाइम पे, ये देखो धूप पड़ रही है ना एकदम अच्छा सा लग रहा भाई। और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का मैप मैंने कल शाम को ही देखा था, और आज मेरे फ़ोन में डेटा ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे करके जाऊंगा वहाँ तक यार। वैसे मैं वहाँ गया तो हूँ, अरे यार यहाँ से कहाँ होगा, अरे यार मैं तो भूल गया, यहाँ से आगे होगा क्या, अरे यार आगे जाऊँ क्या, आगे चलते हैं यार। सच में मुझे ना रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है, हाँ आई थिंक आगे से है। अब यहाँ से कहाँ था यार, मैं सच में भूल गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 9-10 महीने पहले गया था, बहुत पहले गया था यार, तो पता नहीं कहाँ है वो रास्ता, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। पहले यहाँ पे एक चौक आएगा, फिर वहाँ से एक और चौक आना था, पर वो पता नहीं कहाँ होगा यार। ये तो आ गया, अब यहाँ से कहाँ होगा, आगे होगा या इधर होगा, आई थिंक उधर ही होगा, इधर ही चलते हैं यार, क्योंकि उधर तो पता नहीं यार मुझे, तो मैं सच में भूल गया। एक रास्ता वैसे आगे से भी था, मुझे लग रहा मैं गलत जा रहा हूँ आज, क्या करूँ, किसी से पूछूँ या फिर यही होगा क्या रास्ता। फ़िलहाल तो इसी रूट पर चलते हैं, अभी कोई दिख तो है नहीं रहा, पूरी रोड तो खाली हो रखी भाई, तो मैं पूछूं भी किससे पूछूं, क्यों क्योंकि गाइस याद आ गया यही वाला रास्ता है। थैंक गॉड कि याद आ गया मुझे, वरना मैं भटकते रहता जहां मुझे जाना है। तो अभी तक मुझे उसका बोर्ड तो नहीं दिखा, तो अभी भी मैं थोड़ा 90% कन्फर्म हूँ कि यही रास्ता है, बाकी 10% थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो है यार मेरे माइंड में, बाकी देखते हैं। अगर यही रास्ता हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, राइड तो मैं फिर भी कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा फ्यूल खर्च हो जाएगा मेरा। और हाँ फ्यूल अप भी नहीं करवाया यार मेरा, वैसे मैं कल ही राइड पे गया था तो मैंने कल ही करा दिया था फ्यूल अप। भाई आज मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ ना, सच में पता नहीं ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने 2-3 टर्न गलत ले लिए थे, फिर वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल दिखे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल मालदेवता वाला रास्ता कहाँ है, तो फिर उन्होंने बताया कि इधर से है। अभी थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है मुझे कि यही वाला रास्ता है वो, बाकी देखो अगर कन्फ्यूज़ ना हुए आगे भी तो पहुँच जाएंगे वहाँ एकदम सीधे सीधे, वरना तो घूमते फिरते पहुँचेंगे।
इससे पहली वाली वीडियो में आपसे कहा था कि जो मेरी 100th वीडियो होगी या फिर उसके बाद की जो वीडियोज होंगी उसमें मैं 2-3 चेंजेस करूंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चेंज तो मैं एडिटिंग में करूंगा, मतलब जो अपनी एडिटिंग स्किल्स वगैरह होंगी तो उन्हें सुधारूंगा थोड़ा बहुत। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर कुछ लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं अब लगाऊंगा एक माउंट और अपने कैमरे को वहाँ पे माउंट करूंगा। बाकी देखो मेरे लिए तो बिल्कुल नया होगा और मैंने सरप्राइज रखा था आप लोगों से थोड़ा। तो या होप कि जब मैं बनाऊंगा वो वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी जो तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी वो मैं ये करूँगा, देखो जब मैं मोटर व्लॉग वगैरह करता हूँ, जैसे कोई भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें मतलब मैं पूरा मतलब बस गाड़ी दिखाते रहता हूँ, बस रोड दिखाते रहता हूँ, तो ना मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो जाते होंगे रोड पे। वैसे नहीं होते क्योंकि रोड तो मतलब चेंज होते रहती है, हर मिनट में हर सेकंड में यहाँ पर रोड चेंज होती होगी। और हाँ, तो मैं अब क्या करूँगा कि बीच बीच में मतलब अपने फेस की भी वीडियो बनाऊँगा, मतलब थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाऊँगा और थोड़ा मोटर व्लॉग बनाऊँगा, तो थोड़ा मिक्स्ड अप कर दूँगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके गाइस, तो अभी मुझे याद आ चुका है मैं कहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ आगे पे अभी 3 रास्ते आएंगे, तो मुझे डायरेक्ट आगे जाना है, वहाँ पे आपको रुक के बता दूंगा मैं। जब मैं इसे पहले आया था तो इस वाले रूट से आया था, अभी देखो मैं भूल गया था ना, तो आगे वाले रूट से मुझे मतलब मेन सिटी वाले रूट से आना पड़ा मुझे। तो देखो भाई, एक रूट उधर के लिए कटता था और मुझे इस वाले रूट पर जाना है आज। तो भाई ये वाला रूट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है। यहाँ देखो काफ़ी सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई अपनी स्कूटी सीख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ का रोड देखो, एकदम सीधी रोड है भाई, सीधी। हाँ कि रोड चेकआउट करो यार, यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह इतनी अच्छी आएंगी ना, पर मैं एक तो अकेला हूँ ना, तो मतलब उतना मन भी नहीं करता अकेले में फ़ोटो खींचने का। वैसे अकेले में फ़ोटो अच्छी खींच जाती है मुझसे, बट वही अब कौन रुके, अगर 2 लोग हो ना, 2 या 3 कितने भी लोग हो तो थोड़ा ठीक होता है। बाकी सोलो राइड के भी अपने अलग मजे हैं यार, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। आज सोलो राइड का एक फ़ायदा भी था कि अगर मैं आज किसी और को साथ में लाता तो भाई इतना कंफ्यूज मैं खुद ही हो गया था। बाकी जो मेरे साथ दूसरा बंदा आता तो उसका तो क्या ही हाल होता भाई। भाई बहुत मस्त लग रहा है यार ये वाली रोड। कहाँ पर रुको, वहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है तो वहाँ आगे जा के रुकूँगा मैं। बस भाई यहीं पर रुक जाते हैं हम थोड़ा देर, पहला रेस्ट ले लेता हूँ मैं अपना। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना पहला रेस्ट लिया है, बट यहाँ पे ना एकदम चिड़िया की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। बाकी यहाँ की रोड को एंजॉय करो, ये देखो कितनी सीधी रोड है यहाँ तक, और यहाँ तक भी भाई बिल्कुल ही सीधी रोड है। बट अभी मुझे यहाँ आगे पे से एक और डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब वहाँ पे एक ब्रिज आता है, फिर वहाँ से लेफ्ट साइड लेके ऑफ रोड शुरू हो जाएगा, तो अभी मैं सीधा वहाँ पे जाके रुकूंगा। बाकी तो जिस माउंट की मैं बात कर रहा था वो ये वाला माउंट है, और मुझे पता नहीं वो कैसे करके फिट होगा। वैसे इस पे 3 mm की टेप आती है, बस निकल ना जाए यार, और एकदम बीच में अगर फिट नहीं होगा तो वैसे हो तो जाएगा आई थिंक, एकदम टाइट करके हो जाए, लग तो नहीं रहा यार होगा, क्योंकि ना यहाँ पे एक थोड़ा सा कर्व टाइप का है, ऐसे में भी ऐसे में तो आने से रहा, यहाँ ऐसे करके आ जाएगा क्या, थोड़ा सा गैप बच रहा है यार, मुझे लग रहा मेरा ये प्लान तो कैंसिल हो गया आई थिंक। ये एक साइड, हाँ ऐसे लग सकता है एक साइड पर, बट एक साइड पे लगाऊंगा तो सही होगा क्या, ऐसे लाइक इधर लगाऊं या फिर इधर लगाऊं, इधर इधर लगा देता है ना। हाँ ये आइडिया क्यों नहीं है मुझे, बस थोड़ा एंगल आई थिंक बीच में नहीं रहेगा, लगा देता हूँ यार इधर पे ही। तो देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया, मतलब पहले मुझे बीच पे लगाना था बट मैंने यहीं पर लगा दिया है भाई। वैसे ना ये जो टेप है ना काफ़ी टाइट रहती है भाई, आसानी से नहीं निकलती है। बाकी आज मैं अपना सेकेंडरी कैमरा भी लाया हूँ तो उसे भी सेटअप करके यहाँ पर पहले देख लेता हूँ। ये कुछ ऐसा लगेगा, कुछ इस तरीके से ये, हाँ ऐसा कुछ लगेगा। तो देखो ये यहाँ पे मुझे अपना कैमरा लगाना था, बाकी अभी मुझे एंगल वगैरह का कुछ नहीं पता। भाई ये पूरा हिल विल नहीं, अबे यार ये तो टेढ़ा हो गया, अब ऐसा लग रहा है मुझे एकदम टेढ़ा सा एंगल, तभी मैं कह रहा था कि मुझे बीच पे लगाना था ये। चलो अब देखता हूँ मैं कैसा आएगा। तो भाई काफ़ी देर वहाँ पर रेस्ट करके और ये माउंट लगा के और ये कैमरा यहाँ पर माउंट करके मैं निकल चुका हूँ अपनी दूसरी वाली डेस्टिनेशन पे, जो मैंने कहा था कि एक ब्रिज आएगा, दर वहाँ से लेफ्ट लेके पूरा ऑफ रोड शुरू हो जाएगा और एक प्यारी सी लोकेशन आ जाएगी, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। बाकी वेदर ना मुझे आज थोड़ा धूप चाहिए थी यार, क्योंकि सर्दी लग रही है, बट देखो बादल सूरज दादा को आने नहीं दे रहे हैं तो हम भी क्या ही कर सकते हैं भाई। अबे बाकी यहाँ पे भी ना इसका थोड़ा गैप तो छूट रहा है यार, मुझे लग रहा है कभी गिर विर ना जाए यार मेरा कैमरा पूरा, सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है भाई। ये देखो भाई गड्ढे आ रहे ना, एकदम डर लग रही। बाकी कमेंट करके ज़रूर से बताना कि एंगल कैसे आ रहा है, पहले तो मुझे लग रहा है कि टेढ़ा आ रहा होगा, बाकी अगर सही आ रहा होगा तो बता देना कि सही आ रहा है, और आगे भी मैं इससे वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो रहन देना, फिर मतलब मैं खुद से ही निकाल दूंगा इसे, और क्या ही कर सकता है ना।
और वैसे मैंने आज तक आपको ये वाला कैमरा नहीं दिखाया, अपना ये पुराना वाला एक्शन कैमरा, ये मेरे पास 2-3 साल पहले से है और मैंने इससे भी 10-12 व्लॉग्स बनाए हैं भाई। मतलब मोटो व्लॉग नहीं बनाए हैं पर नॉर्मल व्लॉग्स तो बहुत सारे बनाए हैं यार इससे, बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे फ़ोन तो नहीं होता था और कभी कभी मैं मम्मी के फ़ोन से व्लॉग कर देता था, बट हमेशा मम्मी फ़ोन तो देती नहीं थी तो या इससे करना पड़ता था मुझे, और इससे भी ठीक ठाक ही व्लॉग बन जाता था। मतलब स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा था, देन 3 साल बाद मान के चलो तो 3 साल बाद मैंने अपग्रेड किया है। तो देखो गाइस ये वाला व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो चुका है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने जो व्लॉग की ड्यूरेशन होगा उसे 8 से 10 मिनट तक के रखूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, जहाँ तक मेरी मेन डेस्टिनेशन थी तो वहाँ तक अभी मैं नहीं पहुँचा, अभी आधे रास्ते में हूँ तो वहाँ तक मुझे पूरा जाना है। तो जो इसकी आगे की पूरी जर्नी होगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। सो ओके गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद है प्लीज़ हिट द लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। तब तक के लिए बाय। Thank you.